अगर आप भी फ्री फायर खेलते होंगे या फिर BGMI खेलते होंगे, तो आपने देखा होगा कि आपके पास बहुत सारे ऐसे रिडीम कोड आते हैं जो कि जब आप उसे रिडीम करने जाते हो तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, योर ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी कम्प्लीटेड। क्या आपको भी ऐसी समस्या आ रही है? तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। तो अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं मैसेज करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि हमसे संपर्क करते हैं, हमारी टीम से बात करते हैं, तो उनको ऐसी इशू बहुत ज़्यादा आती है कि जब भी वो मतलब एज आ रिडीम करने जाते हैं अपने प्ले स्टोर पर कोड को, या फिर कोई चीज़ें परचेस करने जाते हैं, जैसे BGMI में वो UC परचेस करने जा रहे हैं, आप लोग फ्री फायर में परचेस करने जा रहे हो डायमंड्स या फिर बहुत सारे करेक्टर्स, एंड बहुत सारे लोग जो हैं इसको रियल कैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं रिडीम कोड को, ठीक है, तो तमाम चीज़ें। तो अब आपको मैं बताऊंगा कि अगर आपके भी साथ ऐसी इशू आ रही है, योर ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी कम्प्लीटेड आ रहा है, तो इसे कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। अगर चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। अब चलो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जब हम इस पर क्लिक करते हैं, ऑफ़र वाले सेक्शन में जाते हो तो जैसे बहुत सारे ऑफ़र आया हुआ है यहाँ पर, अगर देखना चाहो तो बहुत सारे ऑफर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद यहाँ पर 3 डॉट पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन में जाते हैं, तो यहाँ से आपका जो प्ले स्टोर में मनी ऐड होता है उसी मनी से क्या करते हो कि आप लोग जो है कुछ ना कुछ चीज़ें परचेस करते हो यहीं पर। और उसके बाद क्या होता है कि आप परचेस जब करने जाते हो तो वहाँ पर आपको योर ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी कम्प्लीटेड का बार बार एक एरर शो होता है जिससे आप वो चीज़ें परचेस नहीं कर पाते हो। अब हमें करना क्या है, इसके लिए हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा जो कि बैक जाना है। बैक जाने के बाद इस पर 3 डॉट पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद हेल्प एंड फीडबैक वाले ऑप्शन में जाना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारी समस्या का समाधान इंस्टेंट तुरंत का तुरंत हो जाएगा। अब आगे क्या करना है, इसके लिए गाइस हमें एक ऑप्शन मिलेगा जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो, कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन दिया गया। तो इस कॉन्टैक्ट अस वाले ऑप्शन पर हमें जस्टा क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के लिए ईजिली आपको जस्टा कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब आपको ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपको वही चीज़ें सेलेक्ट करनी है जो इशू आ रहा है करंट टाइम में। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले सर्च आउट करना है और यहाँ पर वही चीज़ें लिखनी है, योर ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी कम्प्लीटेड, ओके। तो जस्ट वेट करना है, कम्प्लीटेड, तो हमें देन यहाँ पर सर्च आउट करना है, ठीक है। जैसे ही सर्च आउट करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके लिए एक ऑप्शन आ चुका है। अब इस ऑप्शन में हमें चूज़ करना है, क्या चूज़ करना है, परचेज नॉट कम्प्लीटेड, फेल्ड ट्रांजेक्शन, इशू विद प्ले बैलेंस, कैन नॉट बी रिडीम गिफ्ट कार्ड, प्ले स्टोर कनेक्शन इशू। क्या इशू है सेलेक्ट करो, परचेज नॉट कम्प्लीटेड तो जस्ट इस पर क्लिक करोगे, सेलेक्ट वन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर नहीं आएगा, या फिर फेल्ड ट्रांजेक्शन पे जाओगे तो फेल्ड जो भी इशूज आपको आता है, ऐसा जो भी इशू आ रहा है वो यहाँ पर सेलेक्ट होना करना है, तो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। या फिर इशू विद प्ले बैलेंस में भी इशू आ रहा है तो हम प्ले बैलेंस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हमें किस में आ रहा है, प्ले बैलेंस एंड गिफ्ट कार्ड वाले ऑप्शन में आ रहा है, तो हमें क्या करना है कि इसे नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। तो जैसे नेक्स्ट करोगे तो आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल भी आपको देखने को मिलेंगे, अगर आप चाहो तो इन आर्टिकल को भी पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो इजीली। अब हमें क्या करना है, फिर से नेक्स्ट कर देना। अब यहाँ पर ऑप्शन शुरू हो गया है। अब यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो, अगर आप चाहो तो इनकी टीम से मेल के थ्रू, कॉल के थ्रू, चैट के थ्रू और ईमेल के थ्रू तीन तीन ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। आप ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मुझे तो ये ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। मेरे भाई मॉर्निंग में 9 बजे के बाद से अगर आप यहाँ पर ट्राई करोगे तब आपको कॉल का भी ऑप्शन मिलेगा और साथ ही साथ चैट का भी ऑप्शन मिलेगा, लेकिन अगर आप 9 बजे के पहले ट्राई करोगे तो नहीं मिलेगा। और इवनिंग में 5 PM के पहले ट्राई करना है, क्योंकि इनकी जो शिफ्ट होती है वो 9 to 5 होती है। 9 के पहले ट्राई करोगे तो सिर्फ आपको ईमेल का ऑप्शन आएगा, 5 PM के पहले ट्राई करोगे तो आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे, 5 PM के बाद करोगे तो ये दोनों ऑप्शन हट जाएंगे, सिर्फ आपको एक ऑप्शन मिलेगा ईमेल आईडी का, समझ गए ना आप लोग। तो आपको क्या करना है कि आपको 9 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में ही ट्राई करना है, ठीक है। अब ट्राई अगर करोगे तो इजीली आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सपोज अगर मुझे कॉल्स पे बात करनी है तो गेट अ कॉल वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है कि सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप देनी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले नंबर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नंबर डाल देना है, नंबर डालें यहाँ पर आपको, आपके पास ट्रांजेक्शन आईडी होनी चाहिए और ट्रांजेक्शन आईडी आप देख लीजिएगा किस में दिक्कत आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ सेलेक्ट एंड आई हैव इंटायर माई गिफ्ट कार्ड, जो भी इशूज़ आ रहा है वो आपको यहाँ पर चेकआउट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है कि आपको क्या इशू आ रहा है, ठीक है।
ये आपको क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर अगर कोई फाइल है, मतलब जो जो एरर आ रहा है ना, उस एरर का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वो स्क्रीनशॉट यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है कि इमेज प्रोवाइड करवाना है, कोड यहाँ पर डालना है जिस कोड से रिलेटेड आपको इशू आ रहा है, ठीक है। योर ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी कम्प्लीटेड, अगर ऐसा आ रहा है तो जस्ट इस पर क्लिक करना है, या फिर गिफ्ट कार्ड अगर आपका रिडीम नहीं हो रहा है तो। एंड उसके बाद आपने कहाँ से परसेस किया है वो यहाँ पर डालिएगा। हालांकि मैं इंडिया डाल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको अपना सिटी नेम डालना है, जिस भी सिटी से आप बिलोंग करते होंगे वो सिटी यहाँ पर आप डालिएगा। फिर आपको विच कौन से एप्लीकेशन से परसेस किया है, मैंने जैसे समझ कर मैंने पेटीएम से परसेस किया, मैं पेटीएम पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर आपको ये फाइल चूज़ करना है, देन कालमी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही कालमी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, और यहाँ पर आपको वो स्क्रीनशॉट जरूर अटैच कर देना है। जब तक स्क्रीनशॉट अटैच नहीं करोगे तब तक फिर आपका जो है आगे का प्रोसेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरह करके इजीली जो है आप अपने योर ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी कंप्लीटेड को इंस्टेंट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे लोगों को ऐसे एरर आती रहती हैं, तो ये चीज़ें करने के बाद आपकी एरर इंस्टेंट दूर हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी अगर आपका सलाह सुझाव है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत